बार चल दुनिया नहीं ये बबल। मीसने ने किराया देने वास्ते इन्हां कोल पैसे नहीं ने ते फ्रिज ते कब्जा कीता होया मेरे। यह भी चुक लै, यह भी चुक लै। ये देख ले नसरीन, अपनी आंखों से देख ले कि ये कितनी बड़ी वो है। क्या वो हीरोइन? हीरोइन मुझे तो शान के साथ फिल्म ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं। वो तो क्या हुआ, मुझे भी हुई थी पर मैंने मना कर दिया शान अंकल के साथ काम करने के लिए, इसलिए कि एज डिफरेंस आ रहा था। ये क्या है जोजी आंटी? ये तो कुछ नहीं है, अभी कचरा है, मैं अभी फेंकने ही जा रही थी बाहर। इधर ला कचरे की बच्ची, ये देख ये सारी हमारी चीजें छप्पड़ की है इसने। छोची आंटी, आप हमारी खाने पीने की चीजें चुरा रही हैं। वही तो मैं कह रही थी कि ये चोरनी है, चोरनी। और दो दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मक्खन मैं खा जाती हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया जोजी आंटी, आप फ्रिज से हमारा सामान चुरा रही हैं। और ये मेरा फ्रिज है, आज के बाद तुम लोग इसमें कुछ भी नहीं रखोगे, समझे? हम भी इस घर का किराया देते हैं जोजी आंटी। और चुप कर जाए, आंटी आंटी करती रहती है, शर्म भी नहीं आती। कोई 2-2.5 साल ही मैं तुमसे बड़ी होंगी, और आज के बाद मैंने इस फ्रिज पे लगा लेना ताला, कोई इसमें कुछ रख ही नहीं सकेगा मेरे अलावा। क्यों, तूने जेवर और नकदी रखनी है इसमें? नहीं, खाने पीने की चीजें ताले में रखना चाहती हैं। आज के बाद इस फ्रिज को ना कोई हाथ ना लाए, किराया देते हुए मौत आती और मेरा फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं। 4-4 दर्जन अंडे, डबल रोटी, दूध, जाम, मक्खन। हद होती है वैसे, अब मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। चले जा, खूबसूरत नाम की। ओ यार, मैं वो सब बस कर नहीं गया। क्या बस कर दे यार, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो नबील। तो बस बस नबील, बहुत हो गया, मैं तंग आ गई हूँ उस घर में। ओ यार, चलो तंग तो मैं भी आ गया हूँ। मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क चलते हैं पापा जी के खर्चे। मैं तुर्की जाऊंगा भाई, और मुझे रस्ते में छांगा मांगा उतार देना प्लीज। मैं इस घर से तंग आ गई हूँ, ये घर छोड़ने की बात कर रही हूँ। क्यों भाई, इतनी मुश्किल से तो ठिकाना बनाया है। मैं पापा से बात करूंगी, हमें दूसरा घर लेके दें। मैं जोजी आंटी की ये फजूल बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है जानू, हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली कर देंगे यार। लेकिन खूबसूरत, अगला जो घर लेंगे ना वो फिर स्विमिंग पूल वाला लेना, हम उसमें ना नहाया करेंगे। महमूद साहब, उड़ने वाला सांप स्विमिंग करता हुआ कैसा लगेगा यार? मैं तो कहती हूँ उसके पापा के यहाँ जाके ना डेरे डाल लेते, तो उनके लान में खेती बाड़ी करके गुजारा कर लेंगे। नबील, हम आज ही ये घर खाली करेंगे और पापा से कहूंगी कि इस मोहल्ले से दूर कहीं घर लेके दें। ओ जानू, इतना टाइम तो दो ना यार, मैं मोहल्ले में लोगों से एक एक बार अच्छी तरह मिल तो लूं। अच्छा, किससे मिलना है तुमने? जानू, पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं भाई, उनके हकूक को अदा करना चाहिए। वो जो तुमने पड़ोसियों के जाके अदा करने हैं, वो हकूक हैं या 2 दर्जन खुदूत हैं? वाह 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 वाह। ओ बस करें महमूद साहब, मुस्तकीम साहब की तरह सस्ती शायरी ना करें। ओए, इतना अच्छा तो चीता है ये। ओ माँ जी, चीता नहीं, ये उड़ने वाला सांप है। अरे ये शेर कहना चाह रही है नबील। ओ प्लीज, अब माँ जी भी शेर कहेंगी। ना ना ना, मैं तो तुझे शातिर लुमड़ी कहूंगी शबाना। आपको जो कहना है कहे, मैं अभी पापा को जाकर फोन कर रही हूँ और आप लोग भी पैकिंग शुरू कर दे सब प्लीज। अच्छा चलो भाई मामो, चलो तुम जाके पैकिंग करो, मैं जरा थोड़ी सी कमर सीधी कर लूं। चुप कर। अरे खूबसूरत बेटा, कैसी हो? पापा मैं बहुत परेशान हूँ। अरे वो तो जब से तुम्हारी उस तकम्मे से शादी हुई है तब से तुम परेशान ही हो। अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ दो उस तकम्मे को, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा। मैं नबील की वजह से परेशान नहीं हूँ पापा। अच्छा, तो जरूर तुम्हारी उस पागल सास ने तुम्हें परेशान किया हो। नहीं पापा, माँ जी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ तो जरूर उस बड़े मुंह वाले मक्कार आदमी ने कुछ किया होगा। अरे बेटा मैं तो कहता हूँ सबके खाने में जहर मिला दो। और सुनो, पकड़े जाने की फिक्र मत करना, अच्छा सा वकील करा दूंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। पापा मेरी बात तो सुने, मैंने किसी की शिकायत के लिए फोन नहीं किया। ओहो अच्छा अच्छा, समझ गया, चांदी की फीस के लिए फोन किया है ना। भेज दूंगा बेटा। पापा मैंने फीस के लिए भी फोन नहीं किया। अरे सॉरी बेटा, तुम हमेशा पैसे मांगने के लिए फोन करती हो ना, तो मैं समझा तुमने उसी के लिए फोन किया। मैं इस घर में नहीं रह सकती पापा, इतना बदतमीज लैंडलॉर्ड्स हैं। वो जो आंटी है ना, हर दिन धमकी देती रहती है, आज तो हद कर दी, फ्रिज पे लॉक लगा दिया। ओ अच्छा, तुम्हें नया फ्रिज चाहिए? अभी भिजवा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे दूसरा फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे दूसरा घर चाहिए। प्लीज जल्दी से कोई
नया घर अरेंज कर दें। बहुत बेइज्जती की आंटी ने मेरी आज। क्या मेरी बेटी की बेइज्जती? मैं अभी आ रहा हूँ बेटा। आप कराची आ रहे हैं पापा? अरे बेटा मैं तो पहले से ही कराची में हूँ, मैंने तुम्हें सरप्राइज देना था, अब इन लोगों की वजह से मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया। बस मैं अभी आता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तुम अपना सामान पैक करो, बस अभी आ रहा हूँ। ओके पापा। मेरा ख्याल है नवीन, ये इस घर में हमारी आखिरी चाय है। यार मैं मूसा, लेकिन आपने चाय दिल से नहीं बनाई। अरे दिल से कौन चाय बनाता है, मैंने हाथों से बनाई है। आदाबर्स करते हैं, आदाबर्स। लोवेन नवीन मियां और महमूद साहब, तो बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ, बड़ा मजे है जितनी देर आप हमारे साथ रहे। अब एक काम कीजिएगा, अपने एड्रेस दे के जाइएगा, हम वहाँ आएंगे आपको गजलें वजलें सुनाने के लिए, और खत भी हम लिखते रहेंगे। अच्छा तो तू अब हमें हमारे नए बंगले में भी पकाने आएगा? बट पहला एतराज तो हमें तुम पे है, ये तू तड़क हमें बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरी बात ये है कि पकाने से क्या मुराद आप? महमूद साहब समझाए पकाना इनको। अबे तेरी शायरी हमारे सर का दर्द बनी हुई थी, वो तो हम तेरे किराएदार थे इसीलिए सुन लेते थे। हाँ वरना तुम्हारी घटिया शायरी कोई पैसे लेकर भी ना सुने। भाई ताज्जुब तो हमें इस बात का है कि आप हमारे फन की दाद देते हुए दोनों थकते नहीं थे, एक एक शेर पर अशश किया करते थे। अरे बाद में थू थू भी तो करते थे, वो नहीं देखा इन्होंने? लो भाई हद होती बदतमीजी की, हम तो आप दोनों को अपना मोहसिन जानकर अपना दीवान पेश करने आया करते थे, बस अब बहुत हो गया, अब हम लिहाज नहीं करेंगे। लाइए निकालिए हमारा उधार जो आप खाए बैठे हैं। और कर देंगे तेरा उधार महमूद साहब, मुंह पे मारे पैसे इसके। अरे मुंह पे क्या मारना, इसके एडवांस में से काट लेना। भाई आप लोगों के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, जल्दी से हमारा घर खाली कीजिए, वरना जजी बेगम आपका सामान उठवा कर गली में फेंक देंगी। यार महमूद साहब, वो यार ये तो हमें धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियां दे रहे हैं? ये जो हमें दे रहा है वो धमकियां है जी। अरे मुस्तकीम के बच्चे, अरे तू जानता नहीं है कि हम कितने मक्कार और घटिया किस्म के लोग हैं? अजी बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अरे तूने अगर ये टर 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 बंद ना की ना, अरे तो तुझे शायरी सुनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? आपने सब कुछ फरमा दिया तो हमारा गिरेबान छोड़िए, हमें आमद हो रही है, नए शेर आ रहे हैं, वो भी समय पे उतार ले हमने जाके। छोड़ दो, अब भागा कैसे, धमकियां दे रहे हैं। आया मैं। सिंगल दवाना है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक दवाना है मन चला, रखा था जूने गाहों से बचा के, दिल सीधा साधा है मुश्किल। सदीकी तुम? जोजी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ ये तो मेरा ही कार है, तुम सुनाओ तुम इतने कैसे पहुंचे हो, कहीं मेरा पीछा करते करते तो नहीं आ गए? नहीं नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। वैसे बड़े इच्छे छोरे हो तुम आज भी। असल में मेरी बेटी खूबसूरत है ना, वो यहाँ रहती है, उसके घटिया मालिक मकान ने उसे बड़ा परेशान कर रखा है जोजी। अच्छा वैसे वो घटिया मालिक मकान ना मैं ही हूँ। क्या तुमने शादी कर ली जोजी? हाँ कर ली है मैंने, पर तुमने नहीं की। बड़ी चड़ेल बेटी पैदा की है वैसे तुमने, गज भर लंबी जबान है उसकी। असल में उसको माँ का प्यार नहीं मिला ना, तुम उसे माँ बन के समझाओगी ना तो समझ जाएगी। ना मैं क्यों समझाऊँ, तुम समझा देना अच्छी तरह, बड़ी बदतमीजी करती है वैसे मुझसे। अरे मैं उसे समझा लूंगा ना, उसे क्या पता कि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो। अच्छा छोड़ो बातें सारी, इधर ही कर लोगे, चलो मैं तुम्हें अंदर मुस्तकीम के हाथों की बड़ी स्वादी चाय पिलाती हूँ। जोजी इतने सालों के बाद भी तुम वैसी की वैसी खूबसूरत हो, और तुम इतने सालों के बाद भी वैसे के वैसे कुन्ने और मीसड़े। मुस्तकीम जरा दो चाय ले आओ मलाई मार के। अरे मुस्तकीम भाई चाय में चीनी कम रखना जरा है। अरे हुजूर आपकी तारीफ। अरे भाई तारीफ बाद में करना, अभी जाके चाय लेके आओ। जाओ चाय तो हम ले ही आएंगे, अपना इस्म शरीफ तो बताइए, तारुफ करवाइए ना। भाई जोजी ये तुम्हारा नौकर तो पीछे ही पड़ गया। नहीं नहीं नौकर नहीं है, ये शौहर है मेरा। शौहर? अजी जोजी बेगम ये बाबा जानी कौन है? ये मुस्तकीम मेरे पुराने मल्लेदार हैं। अरे भाई मल्लेदार क्या, हम तो बहुत पक्के दोस्त थे। हाँ 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 हमारी ना घरों की छतें मिलती थी। अरे छतें क्या, हमारे तो दिल भी मिले हुए थे। ओहो अब हम समझे, तो आप दोनों छत शरीक बहन भाई हैं। शरीक बहन भाई?
क्या बकवास है? अरे जाने दीजिए जाने दीजिए, आप गालिबन अपनी बेटी को लेने आए होंगे तो ले जाइए। अरे भाई मैं आपसे समझाने आया हूँ कि ये घर छोड़ के कहीं ना जाए, बल्कि दोस्ती करने पक्की वाली जैसे मैंने की थी। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। नहीं पापा मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कभी गैस बंद कर देती हैं, कभी बिजली बंद कर देती हैं, कभी पानी बंद कर देती हैं, लॉन में बैठने नहीं देती, छत पे जाने नहीं देती, और अब तो किचन में भी एंट्री बैन कर दी है। अरे और तो और कल गीजर बंद कर दिया, महमूद साहब अंदर जम गए, इतनी ठंड है, बाहर आए तो नीले थे, तकरीबन नीला उड़ने वाला सांप लग रहे थे जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। हाँ अब तो फ्रिज को भी लॉक कर दिया है, ऐसे कैसे गुजारा होगा पापा जी? अरे अब वो तुम लोग को परेशान नहीं करेगी भाई। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया पापा जी? पापा जी पापा जी भी? अरे भाई वो जान गई है ना कि मैं खूबसूरत का पापा हूँ, बड़ी पुरानी दोस्ती हम दोनों की, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, अब तुम लोग यहाँ सुकून से रह सकते हो। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं हर महीने यहाँ चक्कर लगा लिया करूँ, 10-12 दिन यहाँ सुकून से रह के जाऊंगा। लगता है बड़ी गहरी दोस्ती थी आप लोगों की। हाँ, हमने बहुत मिल मिला के बचपन में गुड़िया लूटी है। हाय तो हमें भी देना 2-4 गुड़िया, मैं और मुस्तकीम भी छत पे पेचा लड़ाएंगे। माँ जी मैं मुँह सब का अपना मुँह तुकल जैसा है। अरे भाई बहुत साल पहले की बात है, वो अच्छी औरत है, वो तुम लोग अब तंग नहीं करेगी। वाह। नहीं पापा बहुत बेइज्जती कर चुकी है हमारी। अरे बेटा तुम्हारी माँ की जगह है, वो माफ कर दो उसको, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। हाँ देखा मैं बात करता हूँ। जानू वो ये पापा जी की नहीं ठीक नहीं लग रही, जिस लड़की को देखो कह देते हैं तुम्हारी माँ की जगह, हर लड़की को तुम्हारी माँ की जगह देते हैं यार। शर अपने भी। ओ यार दिस टाइम इट्स नॉट ओके जानू। अरे चाची बेगम अब कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए, इन पे रहम नहीं करना, और यार और मक्कार किस्म के लोग हैं, और आप नहीं जानती कि किस कदर उन्होंने हमारी शान में गुस्ताखियां की है। अरे भाई तुम अभी तक चाय नहीं लेके आए, जाओ जाओ चाय लेके आओ, हमें जरूरी बात करनी है। अरे जनाब आप कौन सी जरूरी बात करनी है आपने इनसे? अरे भाई वही बात जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या बात करने आए हैं? अरे बात की ख्याल मत निकालो यार, तुम जाओ चाय लेके आओ। चीज़ वो तो हम 2 मिनट में ले आएंगे। ना 2 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा चाय बनानी है तुम्हें। चाय पकाने जा रहे हैं, पाए पकाने नहीं। जाओ ना जी ले आओ चाय, और कप वो जो शोकेस में नमे वाले रखे है ना वो लेके आना। अरे भाई सुनो चोजी, खूबसूरत तो बहुत नाराज है, वो तो यहाँ से जाने की बात कर रही थी। देखो मैं नहीं चाहता कि हमारा ताल्लुक दोबारा खराब हो इतने सालों के बाद। ले मुझे क्या पता था वो तुम्हारी थी है, इतनी नकचड़ी और बदतमीज, मुझे लगता है माँ पे चली गई है। अच्छा छोड़ो ना, दफा करो। अब सुनो चोजी उसको रोक लो ना, वो सामान बांधे बैठे घर छोड़ने के लिए। ओ, मैं रोक लूंगी ना उसे, तू क्यों परेशान हो रहा है नन्ने? नन्ने हाय हाय हाय, कितने सालों के बाद किसी ने नन्ना कहा है मुझे। चल वही फरखिंदा, मेरा नहीं ख्याल तेरा पापा हमें नया घर दिला के देगा, अब तू जाके कोची के कदमों में गिर जा। हाय मेरी सोनी, मेरी राज दुलारी, मेरी प्यारी माँ, सदके जाए ये सामान जो है ये जाके अंदर रखो वापस, तू कहीं नहीं जा रही है। तेरा पापा और मैं जो है ना मल्लेदार थे, हमारे घर की छतें मिली हुई थी आपस में। चल ना मेरा पुत्र अब गुस्सा दे थूक दे। ओ ये तो तुझे खुद ही मनाने आ गई है जमीला। चोची बाजी अब हम नहीं रुकने वाले भाई। हाँ भाई अब हम रुक भी नहीं सकते, सारे मोहल्ले से तो उधार पकड़ लिया हमने। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी आंटी, आप एडवांस वापस कर दे प्लीज हमारा। ओए तो सारा एडवांस वापस ले ले, बल्कि तू इधर बगैर एडवांस के रह। चल ठीक है फिर 500 रुपया किराया भी कटा देती हूँ, और ये ले 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 फ्रिज दी चाबी, तू रख ले किसे होना दे, झगड़ा ही हो गया खुश। ना भाई मुझे लगता है इसने कोई नशा किया हुआ, बहुत ही सस्ता नशा किया। अब पुत्र तुझे तो पता ही नहीं है तेरे पापे की और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। चल उठ शाबाश, ये सामान शमान अंदर रख, मैं चंगा जा खाना बनाती हूँ नन्ने के लिए। कौन नन्ना? नहीं तेरा पापा और कौन। चल झगड़ा मुक्का हूँ। महमूद साहब जरा उठे। क्या हुआ नबीर? चले चल के नन्ने मियाँ की थोड़ी सी जासूसी कर लें। वो जो हमने नन्ने मियाँ की करनी है वो जासूसी है। हाँ जी जरूरी है जरूरी है। आओ आओ फरखंदा ये सब मोहब्बत का चक्कर है। अरे सोची किस्मत ने हमें एक बार फिर मिला दिया इतने अरसे बाद,
तुम्हें याद है हम कैसे पतंग उड़ाया करते थे? तुम डोर पकड़ती थी और मैं पतंग चढ़ाता था, तुम ढील देती थी, मैं पेच चलाता था। ओ याद है, मुझे सब याद है नन्ने। अरे यार बस उस दिन तुम्हारे भाइयों ने हमें खेतों में गन्ने चलाते ना देखा होता ना तो आज तुम मेरी होती। ले तू भी तो मेरे भ्रामों की दो तीन लत्ते मुक्के और घासे खाने के बाद ऐसा भाग है मल्ले में वापस ही नहीं आया फिर। हाय मान से नन्ने, बड़ी याद आती है मुझे उस पुराने मल्ले की, बड़ा ही दिल करता है वापस जाने का। हाँ तो हम जाएंगे ना वहाँ पे, फिर उस छत्ता के पतंग उड़ाएंगे। पापा जी, पापा जी, हम भी पतंग उड़ाएंगे ना। और पापा जी आपके सफेद सर की कसम, मैंने ऐसा पेच लड़ाने, ऐसा पेच लड़ाने कि मोहल्ले वालों ने तंग रह जाना। दादी होने आई है। अरे तुम लोगों का क्या मसला है, क्यों बीच में टांग अड़ाते हो? जो हम बीच में अड़ा रहे हैं वो टांग है। ओ पापा जी, खुदा का नाम माने यार, बस कर दे, कितनी आपकी पुरानी मोहब्बतें हैं यार, मैं कब तक आपकी करतूतों पर पर्दा डालता रहूंगा, बस कर दे, बस कर दे। अरे मेरी बचपन की सच्ची और पहली मोहब्बत है, सालों बाद मिले तो अरमान जाग गए ना कुछ। अरे उसका एक अदद शोर है पापा जी। अरे मुझे मालूम है यार, वैसे तुम लोग उसे संभाल लोगे ना? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मुफ्त में हम लोग कुछ नहीं संभाल रहे। अरे आप बताए यार। तो ठीक है, हम मुस्तकीम साहब को आपके और जोजी जी के रास्ते से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कोई छोटा मोटा कारोबार करवाना पड़ेगा और जोजी जी से कह के ये घर मेरे नाम कराना होगा। हाँ हाँ ठीक है, करा देंगे। डन हो गया बाबा जी। डन 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 ना हो बेटे, डन ना हो बेटे। मुस्तकीम तुम यहाँ चाय बनाते रह जाना और वहाँ सिद्दीकी तुम्हारी जोजी को लाहौर ले उड़ेगा। ये क्या बकवास फरमा रहे हैं आप? सही बकवास फरमा रहा हूँ मैं। अरे वो बड़े पुराने प्रेमी हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। लाहौर विला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये क्या कह रहे हैं आप दोनों? अरे मुस्तकीम साहब, बड़ा गलत हो रहा है आपके साथ, लात पड़ने वाली है आपको। कहना क्या चाह रहे हैं जरा खुल के फरमाइए। अरे वहाँ पूरी प्लानिंग हो चुकी है भाई, सिद्दीकी साहब जोजी बेगम को लाहौर लेकर जाएंगे, आपको यहीं छोड़ जाएंगे और खुद वो पूरी दुनिया घूमेंगे। क्या? हाँ लेकिन आपके पास फिर भी एक फेयर डील का चांस है कि आपका जो दिल चाहता है पापा जी से मांग ले। बीवी तो वैसे भी आपके हाथ से जा ही रही है, ये घर भी जाएगा। जी भाई हमें तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। अरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हमारी बात को तो यकीन करें। आज तक जोजी बेगम ने आपके साथ किया क्या है? हाँ? नौकरों की तरह तो आपको रखा है। और क्या? बात बात पे आपको जलील किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया आपको? हाँ? अभी करती तो थी, लेकिन इसे तो हम उनका प्यार ही समझते रहे। अरे छोड़ो मुस्तकीम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें आजादी मिल रही है। हाँ वरना लोग क्या क्या नारा लगाते हैं महमूद साहब। हाँ? हम छीन के लेंगे आजादी, मेरे मौला दे दे आजादी। मुस्तकीम साहब आपका दिल नहीं चाहता कि कोई खूबसूरत लड़की शर्माती हुई आपको बोले अजीज सुनते हो सरताज? जी जी ऐसा तो हम सिर्फ अपने ख्वाबों में सोचते थे। अरे तो अब तुम्हारे ख्वाब हकीकत में बदलने वाले हैं। मुबारक हो। भाई बात सुनिए, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है ना। अरे आपको फेयर डील मिल तो रही है ना यार, नहीं दुनिया बसाए जाके, वरना आपने अखबारों में पढ़ा नहीं है कि बीवी के आशना ने शौहर को चाकू मार मार के बेदर्द कत्ल कर दिया। क्या? अरे पापा जी तुम ऐसे इतने अमीर आदमी है, किसी को भी तुम्हारी सवारी दे सकते हैं, क्यों बेमौत मरना चाहते हो मुस्तकीम? हट जाओ रास्ते से हट जाओ। भाई हमें सोचने के लिए थोड़ा मौका दीजिए। अरे अरे आप दिल भर के सोचे। हाँ। आपके पास टोटल 25 सेकंड। सोच ले। पापा आपने क्या कहा ऐसा जोजी आंटी को कि उन्होंने मुझसे माफी मांग ली? मेरा ख्याल है तेरे पापी ने उसे मुंह बोली बेटी बना लिया। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं भला बेटी क्यों बनाऊंगा उसे? हाँ तो बहन बना लिया होगा फिर। खैर आई होप आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे नहीं बेटा, बहुत आराम से रखेंगी, बिल्कुल सगी बेटी की तरह। सगी बेटी की तरह क्यों रखेंगी वो मुझे? अरे हाँ भाई, क्या कहा मुस्तकीम ने, छोड़ देगा मेरी जोजी को वो। मेरी जोजी? हाँ जानू, पापा जी की जोजी, इनके बचपन का प्यार। शाबाश है, ले मैं जोजी ने हूँ, तेरी नई अम्मी बन जा रहे यास्मीन। ऐसा नहीं हो सकता पापा, अगर आपने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ठहर जा शबनम, मैं तुझे एक मच्छर मारने का जहर
देती हूँ। माँ जी चूहे मार, चूहे मार। हाँ वही वही। नहीं ये सब क्या है नबील, जाके खूबसूरत को समझाओ। अरे उसे तो मोमो समझा देगी। आप ना बस ये घर हमारे नाम करवाने की कोशिश करें। अब मुस्तकीम साहब ना तकरीबन मान गए हैं। हाँ और बाबा जी एक मैं बात बता दूं आपको, आपकी पांचवी शादी पर आपकी गाड़ी रुकवाई मैंने कर ली और जूता लगाई की रस्म मैं कर रही हूं। जूता छुपाई माँ जी, जूता छुपाई। हाँ पापा जी आपने फिक्र नहीं करना, अरे मैं हूँ ना। अरे आपकी शादी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। ये ट्रेलर मुलायदा फरमाए। ये ले पुत्र दो चमचे फांक ले। मेरी तबीयत ठीक है माँ जी। हाँ पुत्र मुझे मालूम है। तो आप मुझे दवा क्यों दे रही हैं? ये दवा नहीं है, जहर है। जहर चूहे मारने का जहर। माँ जी आप मुझे जहर दे रही थी। तूने ही तो कहा था कि तुझे वो करनी है। वो क्या? वही जो करने से जिंदगी खत्म हो जाती है। शादी? नहीं नहीं, वो जो अपने अब्बे की शादी का सुन के करने वाली थी ना तू। मैं तो जान लेने वाली थी माँ जी। हाँ ले ले जान जल्दी से, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पकड़ पकड़ पकड़। माँ जी नहीं पीनो पीनो, तुझे वो नन्ना याद है? ओए नन्ना। हाँ हाँ सदीकी मेरी मुलाकात हुई है उससे। हाँ पता है मुझे कह रहा था कि पुराने मल्ले में तुम्हें फिर लेके जाऊंगा। हाय मान से कितनी यादें वबस्ता है हमारी पुराने मल्ले से। मैं वहां आई ना तो तुझसे भी मिलूंगी। हाँ मान से तुझे याद है कितनी वारी उसने अपनी नबज कट्टी थी मेरे लिए। हाँ नहीं नहीं पापा जी आपके ना मुंह की तारीफ नहीं है, कसम से बहुत ही जहर लग रहे हैं आप। ओए कुन्ने और तू उधर क्या कर रहा है? बता ना कि तू जोजी जी को छोड़ने के लिए तैयार है। बेशक हम तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शरायत है। इतने बड़े सदमे के बाद हमारा यहाँ दिल ना लग पाएगा। सिद्दीकी साहब आप हमें बैंकॉक भिजवा दीजिए और हमारे अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए डाल दीजिएगा ताकि वहाँ सुकून से जोजी बेगम का गम मना सके। मेरी ये जाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये अकेले गम मना नहीं पाएंगे। ये जो अकेले मना नहीं पाएंगे वो जोजी जी का गम होगा। 100% गलत फरमा रहे हैं ये बरखुरदार। अरे भाई जो भी है मुझे मंजूर है, खुशखबरी जाके जोजी को सुनाता हूँ। चल खूबसूरत खुश हो जा, देखना सब कुछ चंगा हो गया। क्या चंगा हो रहा है? ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तू घबरा नहीं शबनम, ये डैन ना कभी खुश नहीं हो सकती। ओए बस कर दो, क्यों मुझे बददुआएं देती जा रही है तू। अरे जोजी जोजी मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस चीज की मुबारक है? मुस्तकीम ने हाँ कर दी। मुस्तकीम ने हाँ कर दी, पर किस चीज के लिए हाँ कर दी? शादी के लिए बेगम। ओए मेरे होते हुए शादी के लिए हाँ कर दी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे हमने अपनी शादी के लिए हाँ नहीं की। ना तो फिर किसके ब्याह के लिए हाँ की है? अरे हमारी शादी के लिए। क्या जी जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब ने आपकी और पापा जी की मोहब्बत की खातिर कुर्बानी देने का फैसला कर लिया कर लिया कर लिया। ओए भाड़ में गई कुर्बानी ते भाड़ में गई आधी मोहब्बत। मैं मुस्तकीम को कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो भी इस डरपोक के लिए, मकार के लिए। मेरे भरावों के 4 मुक्के खा के मल्ला ही छाड़ के नाच गया था। ओए मेरे मुस्तकीम का ये मुकाबला कर ही नहीं सकता, 4-4 ब्याह करके भी इसका दिल नहीं भरा। चलो घर की दफा हो। जोजी जोजी बेगम भाई वाह। जोजी दे बच्चे तू ब्याह वास्ते हाँ करने वाला कौन है? चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते